टिहरी जिले के जंगलों में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके कारण वातावरण में धुंध छाई हुई है। जिले में अब तक 104 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 85 हेक्टेयर से अधिक जंगल प्रभावित हुए हैं। जिले में 180 क्रू स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिनमें 3 से 4 फायर वॉचर तैनात किए गए हैं। आग लगने से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और वन्य जीव जंगलों से निकलकर गांव और कस्बों की तरफ आ रहे हैं। टिहरी की उपप्रभागीय वनाधिकारी राखी जुयाल ने बताया कि आग बुझाने में विभाग के अलावा ग्रामीणों का सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में 51 वनाग्नि समितियों का गठन किया गया है, जो समिति वन विभाग को आग बुझाने में सहयोग करेंगी। उन्हें वन विभाग की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। टोटल अभी तक 104 घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जिसमें से 44 घटनाएं आरक्षित वन में भी हैं और 56 घटनाएं सिविल फॉरेस्ट में भी हैं, जिसमें कुल मिला के 85 हेक्टेयर हमारा प्रभावित हुआ है। हमारे जनपद टिहरी में 180 क्रू स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 50 क्रू स्टेशन टिहरी वन प्रभाग में हैं और प्रत्येक क्रू स्टेशन में संवेदनशीलता के आधार पर 3 से 4 फायर वॉचर लगाए गए हैं, नियोजित किए गए हैं। और अगर आने वाले समय में, क्योंकि ड्राई स्पेल का लग रहा है आशंका है, तो अगर घटनाएं बढ़ती हैं तो फौजरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसके अतिरिक्त गांव वालों से हमें कई स्थानों पर सहयोग प्राप्त हो रहा है। टिहरी प्रभाग में 51 वनाग्नि समितियां गठित हैं, उनमें से कई जगहों पर सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी वनाग्नि समितियां जो हमें सहयोग प्रदान कर रही हैं, उन्हें चिन्हित करके इंसेंटिव देने का भी हमने प्रावधान किया है।